राखी सावंत को वाइल्ड कार्ड एंट्री का ऑफर तो आया है खतरों के खिलाड़ी में, लेकिन अभिनव शुक्ला की वजह से वो खतरों के खिलाड़ी में एंटर नहीं करना चाहती हैं। आखिर क्या बोल रही हैं राखी सावंत, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। दरअसल पैप टॉक के दौरान राखी ने कहा कि अभिनव शुक्ला वहां पर मौजूद हैं, जो कि काफी हॉट हैं, और उनको लगता है कि अगर वो फिर से खतरों के खिलाड़ी में अभिनव शुक्ला के साथ पहुंची तो उनका एक बार फिर से अफेयर हो जाएगा, क्योंकि अभिनव को देखकर उनसे रहा नहीं जाएगा। और इस बार तो रुबीना भी नहीं है वहां पर जो उनको रोक पाए या उन दोनों पे अंकुश लगा पाए, तो ऐसे में वो इसी वजह से नहीं जा रही हैं खतरों के खिलाड़ी में। हालांकि उन्होंने कहा कि उस शो को जीतने के दो पोटेंशियल विनर्स हैं, अभिनव शुक्ला और अर्जुन बिजलानी, वो दोनों ही काफी स्ट्रांग हैं। लेकिन फिर भी अभिनव शुक्ला जो है उन पर सभी लोगों का दिल आ जाता है। वो इतने स्मार्ट हैं, इतने डैपर ड्यूड हैं, इतने हॉट हैं कि उनको देखकर कोई भी पिघल जाता है। और साथ ही उन्होंने निकी तंबोली को बुला दिया कबाब में हड्डी। जी हाँ, उन्होंने कह दिया कि वहां पर तंबोली कबाब में हड्डी जरूर है। मुझे पता नहीं है क्या तंबोली को अभिनव शुक्ला पसंद है, मुझे उसके सारे इरादे पता हैं, और इसी वजह से मैं वहां पर नहीं जा रही हूँ क्योंकि वो मेरे लिए कबाब में हड्डी बन जाएगी। हालांकि मैं जानती हूँ कि रुबीना के बिना हम दोनों का फिर से अफेयर हो जाएगा, इसलिए आई एम अवॉइडिंग टू गो एट खतरों के खिलाड़ी। तो वही राखी सावंत ने इतना कुछ बोल दिया है खतरों के खिलाड़ी को लेकर और क्यों वहां पर शामिल नहीं हो रही है, अभिनव शुक्ला को बता दिया है रीजन। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बड़े खुलासे के बारे में, जल्दी से आइए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और हमारे साथ जुड़े भी रहिए क्योंकि और भी खबरें हैं लगातार इसी वजह से आप इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे।